नमस्कार दोस्तों, उमास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल से एक अंडा करी, जिसका स्वाद बिल्कुल होटल या रेस्टोरेंट जैसा होगा और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अंडा करी। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। और इसको शेयर करना मत भूलना प्लीज़। पहले मैं इस अंडों को मैरिनेट कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आप लोग आप लोगों के क्वांटिटी के हिसाब से ले लेना, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अभी अच्छी तरह से अंडों में ये लगा लूँगी। गैस पे मैंने एक पैन रखा है, उसमें तेल डाल दिया है। तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी क्या करूँगी, वो मैरिनेट किया हुआ अंडा इसमें डाल के थोड़ी सी फ्राई कर लूँगी। अंडे को थोड़ा सा कीड़ा लगा लेना, नहीं तो ये बहुत ही खट्टा है, आपके ऊपर तेल आके गर्म तेल गिर सकता है। आप लोग इसीलिए इसको थोड़ा सा कीड़ा लगा लेना। ये अंडा फ्राई हो चुका है, इसको तेल में से निकाल लेंगे। अभी उसी तेल में मैं थोड़ा सा जीरा और होल गरम मसाला इसको तड़का लगा लूँगी। थोड़ी देर इसको फ्राई होने देंगे। उसके ऊपर ये हरी मिर्च और प्याज को मैं पेस्ट बना के रखा, मैं दो बड़े बड़े प्याज के साथ दो हरी मिर्च को भी पीस लिया था, ये पेस्ट डाल दूँगी। प्याज को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। भून रहा है, अभी मैं एक और मसाला तैयार कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने दही लिया है, यहाँ पे मेरा दो बड़े चम्मच दही है, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैं हरी मिर्च भी डाला है इसमें, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूँगी और अच्छी तरह से फेंक लूँगी। आज अच्छी तरह से भून चुका है, अभी इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसका भी कच्चापन जब तक दूर ना हो जाए तब तक हम लोग इसको भी ऐसे फ्राई करते रहेंगे। प्याज लहसुन भी फ्राई हो चुका है, अदरक भी इसके साथ, प्याज लहसुन अदरक सब कुछ अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अभी हम लोग गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है, आप लोग बंद भी कर सकते हैं फिर ऑन कर सकते हैं। इसमें मैं दही का जो है पेस्ट वो डाल दूंगी, अच्छी तरह से गैस को बिल्कुल स्लो रखना, नहीं तो दही फट जाएगा। अभी मैं इसमें एक चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दूंगी। स्लो गैस पे हम लोग अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। दही तेल छोड़ने लगा है, देखिए अभी इसमें मैं ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अच्छी तरह से सारी चीजों को एक साथ मिला के मैं नमक ऐड कर दूंगी। अभी 5 से 7 मिनट इसको मैं ऐसे ही पकने दूंगी। अभी इसको 2 से 3 मिनट मैं ऐसे ही पकने दूंगी और उसके बाद बाकी चीज ऐड कर देंगे हम। इसमें मैं अभी 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड करूंगी। अच्छी तरह से इसको होने देंगे। इसमें मैं अभी धनिया पत्ता डाल दूंगी। तीन से चार मिनट अभी इसको ऐसे ही कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें मैं अंडा ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से मसाले के साथ मिला दूंगी। आप लोगों को जैसी ग्रेवी पसंद हो उसी हिसाब से रखना। करी मेरा रेडी हो चुका है, अब इसको मैं सर्व कर दूँगी।